नया IBN 7 हौसला है। ये जानकारी आ रही है गोंडा से कि कई गांवों में इन दिनों वहां आदमखोर लकड़बग्घा उसका खौफ लगातार बना हुआ है। एक इलाके में अभी तक इस लकड़बग्घे ने एक बच्चे को मार दिया है जान से और 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। जिला प्रशासन पिछले 2 हफ्तों से इस लकड़बग्घे को पकड़ने में जुटा हुआ है। गोंडा के उमरी बेगमगंज में खेतों में लकड़बग्घे के पैरों के निशान का पीछा करते वन विभाग के लोग। 10 दिन से ज्यादा हो गए मगर पैरों के निशान के सिवा इन्हें कुछ नहीं दिखा। लोगों के दिलों में खौफ भरा हुआ है। एक अनजाना सा डर हर वक्त आसपास रहता है। दिन के उजाले में भी बच्चे घरों से निकलने में डर रहे हैं। गाँव वालों के मुताबिक ये खौफ इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों लकड़बग्घा एक छोटे बच्चे को खा गया था। लड़के हैं वो विद्यालय की उपस्थिति बहुत कम हो गई है, विद्यालय जाना नहीं चाह रहे हैं। कोई रिश्ते नहीं, वन विभाग की टीम भी काम कर रही है लेकिन कोई सफल कार्रवाई अभी आज तक नहीं हुई, लकड़बग्घा कोई हाथ नहीं लगा। उमरी बेगमगंज के मंगलपुरवा, अमदही, पराश, बूढ़ेपुरवा और आसपास के इलाकों में लकड़बग्घे की दहशत फैली है। वन विभाग ने आदमखोर जानवर को पकड़ने के लिए पिंजरे भी तैयार करवाए हैं मगर अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। लगभग 10-11-12 आदमियों पर हमला कर चुका है। हम लोग की टीम बराबर लगातार चल रही है, रात में भी चल रही है, दिन में भी चल रही है लेकिन अभी कोई सफलता नहीं मिली है। वन विभाग की तैयारी और प्रशासन के दावों पर गांव वालों को ज्यादा भरोसा होता नहीं दिख रहा। बहरहाल उनके पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं बचा है। भगवान भरोसे बैठे ये लोग अब सिर्फ लकड़बग्घे से निजात का इंतजार कर रहे हैं। देवमणि त्रिपाठी, गोंडा, IBN 7।